नमस्कार, मैं हूं अभिनाश पांडे और आप देख रहे हैं एबी न्यूज बुलेटिन। के शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, और बड़ी खबर राज्यसभा से आ रही है जहां नागरिकता संशोधन बिल पेश हुआ है और ये बिल पास भी हो गया है। जी हां, लोकसभा में पहले ये बिल पास हो चुका है और इसके बाद अब राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया है। तो पूर्वोत्तर में बीजेपी का विरोध जिस तरीके से इस बिल को लेकर किया जा रहा था, कई संगठनों ने किया, लेकिन 6 घंटे की बहस के बाद अमित शाह ने इस पर जवाब दिया, उसके बाद इस पर वोटिंग की गई और नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है। बात करें आज इस पर, तो 6 घंटे की करीब बहस हुई जिसके बाद अमित शाह ने सदन में जवाब दिया। बता दें आपको कि विपक्ष इस बिल का लगातार विरोध कर रहा था और संविधान विरोधी बता रहा था। इस बिल के खिलाफ असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में प्रदर्शन भी हुआ। आपको बता दें कि सेलेक्टिव कमेटी को भेजने का प्रस्ताव खारिज हो गया। नागरिकता बिल को सेलेक्टिव कमेटी में भेजने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। सेलेक्टिव कमेटी में न भेजने के पक्ष में 124 वोट पड़े और विरोध में 99 वोट पड़े। आपको बता दें कि शिवसेना ने सदन से वॉकआउट किया, शिवसेना के सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो आपको बता दें कि लोकसभा से पहले यह बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में आज पेश किया गया जिसके बाद इस पर वोटिंग हुई और आज ये राज्यसभा में भी पास हो गया है। राज्यसभा में भी नागरिकता संशोधन बिल पेश हुआ आया था और अब यह पास हो गया है वहां पर। आपको बता दें कि सेलेक्टिव कमेटी को भेजने के लिए वोटिंग हुई जिसमें इसको सेलेक्टिव कमेटी को ना भेजने के पक्ष में 124 वोट पड़े जबकि पक्ष में 99 वोट पड़े, जिसके बाद इसे सेलेक्टिव कमेटी को भेजने का जो फैसला था उसे खारिज कर दिया गया और इसके बाद वोटिंग हुई जिसके बाद इस बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। तो आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ, पूरे देश की अगर बात करें तो विरोध प्रदर्शन किया गया विपक्ष के द्वारा। बात अगर आज पटना की कर ले तो यहां राजद समेत पूरा महागठबंधन के जो घटक दल है वो आज धरने पर भी बैठे, खुद तेजस्वी यादव धरने पर बैठे, लेकिन इसके बाद आज राज्यसभा में ये बिल अब पास हो गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञान हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञान, राज्यसभा में यह बिल पास हो गया है। देखिए अविनाश, मैं आपको बता दूं जिससे कि यह के लिए बहुत प्रतिष्ठा का विधेयक बन गया था और जिस प्रकार से आज राज्यसभा में 6 घंटे बहस हुई और इस पर विभिन्न दलों ने अपनी राय भी रखी और कई विरोधी दल जैसे बीजेपी का वर्तमान समय में शिवसेना कह सकते हैं कि जो आज वो कांग्रेस के साथ है उसने भी इस बिल का समर्थन किया है, जदयू ने भी समर्थन किया है। जबकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि जदयू का एक खेमा जो प्रशांत किशोर है इस बिल का विरोध कर रहे थे और जदयू को इसके पक्ष में नहीं खड़ा होने की सलाह दे रहे थे, लेकिन आज राज्यसभा में जिस प्रकार से बहस हुआ और जदयू के सांसद भी इस बिल के समर्थन में आए और इसका कहा कि आने वाले दिनों में तकरीबन जो शरणार्थी हैं, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो सताए हुए लोग हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक लोग हैं जो भारत में अभी शरण लेने की आस में बरसों बरसों से हैं, उनको ये बिल चाहे। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे सहयोगी ज्ञान जो अधिक जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि लंबी बहस के बाद राज्यसभा से ये बिल पास हो गया है। इससे पहले लोकसभा में इस बिल पर लंबी बहस हुई थी जिसके बाद इस बिल को लोकसभा में पास किया गया था, उसके बाद राज्यसभा में एक लंबी बहस हुई जिसके बाद अमित शाह ने इस पर जवाब दिया, उसके बाद वोटिंग हुई और अब राज्यसभा में यह बिल पास हो गया है।